वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। बरेली में तीसरे चरण में मतदान संपन्न हो चुका है, और बरेली की बात करें तो बरेली में दो लोकसभा सीट है, एक बरेली लोकसभा सीट और एक आंवला लोकसभा सीट। आज टीवी नाइन की टीम आपको बरेली लोकसभा सीट पर बरेली कैंट विधानसभा के समीकरण बताएगी पत्रकारों के साथ। बरेली कैंट विधानसभा में क्या समीकरण है और किन लोगों ने, किस बिरादरी ने किसको वोट किया, कौन प्रत्याशी यहां भारी दिखाई दे रहा है। दरअसल बताते चले, बरेली में 58.8% मतदान हुआ है, और बरेली कैंट की अगर मैं बात करूं विधानसभा की, तो बरेली कैंट विधानसभा में 50.3% मतदान हुआ। एक बार मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाऊं, तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ मौजूद है और इनसे पर्चा के साथ में हम आप पूरी समीकरण समझाएंगे। आपका नाम क्या है? अनूप मिश्रा। अच्छा अनूप जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, 20 साल से ज्यादा बड़े बैनरों में रहे हैं, उस दिन भी आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे। अगर मैं बरेली कैंट विधानसभा की बात करूं तो क्या समीकरण बना है यहां पे? देखिए, कैंट विधानसभा की बात की जाए तो कैंट में इस समय भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है संजीव अग्रवाल जी। तो कैंट में भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से दबदबा रहा है, और अब क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और इस बार प्रत्याशी अलग होना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो संतोष गंगवार नहीं है, इस बार छतपाल गंगवार है। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद प्रवीण सिंह गैरन है, जो बरेली के सांसद रह चुके हैं, 2009 में उन्होंने संतोष गंगवार को हराया भी था। तो इस बार जो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन है उसका काफ़ी फायदा उनको होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वोट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं शहर और कैंट विधानसभा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाती है, और यहाँ पर भाजपा का जो वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी ओर क्योंकि बसपा का जो पर्चा खारिज हो गया बसपा कैंडिडेट का, तो उसका जो वोट बैंक है उसका असर जरूर है कि उसमें से ज़्यादा हिस्सा जो है, ज़्यादातर वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की ओर जाता दिख रहा है। लेकिन करीब 60% से जो है वोट जो दलित बिरादरी का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा अभी भी भारी दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बार अगर हम बात करें बरेली की तो बरेली में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अच्छा, आपका भी पर्चा जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। वीरेन कुमार अटल। अच्छा, अब कैंट विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ मुस्लिम वोट भी ठीक ठाक है, अच्छा वोट माना जाता है। इस बार जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो कैंट विधानसभा पे आपको क्या लग रहा है, किस बिरादरी किस कैंडिडेट के प्रत्याशी में वोट किया होगा, क्या पूरे समीकरण थोड़ा समझाइए। कैंट विधानसभा अब चूंकि पूरा शहर इलाका आ गया है, एक दौर था जब कैंट विधानसभा में आधा हिस्सा शहरी हुआ करता था और आधा हिस्सा ग्रामीण का हुआ करता था। लंबे समय तक कांग्रेस का विधायक यहाँ पे चुना जाता रहा है। वर्तमान में कैंट से भाई संजीव अग्रवाल जी विधायक है, जो मूलतः रहने वाले हैं फरीदपुर के। वे यहाँ से लंबे समय से चूंकि उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया, इसलिए वो यहाँ पर पिछले चुनाव में उनको मौका मिला, टिकट मिला और वे चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार के जो समीकरण है, जो लोकसभा के गठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रवीण सिंह गैरन, उनका निवास कैंट क्षेत्र में ही आता है। इस बार के समीकरण में दोनों में कैंट विधानसभा की अगर हम बात करें कि बहुत कांटे का संघर्ष है, 5-10 हजार वोटों का अंतर से कोई भी जीत सकता है और कोई भी हार सकता है। मतदाताओं का फैसला अंतिम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुस्लिम मतदाता इस बार इस चुनाव में बड़ी खामोशी के साथ बिना लंबी लाइनें लगाए हुए वे मतदान करने के, आज इंटर कॉलेज में सवेरे से शाम तक मतदान तो हुआ लेकिन लंबी कतारें नहीं लगी। इसका मतलब सोची समझी साजिश के तहत इस बार गठबंधन के प्रत्याशी ने वो काम किया जो बहुत खामोशी के साथ किया था। उनको लगता था यदि यहाँ पर मुस्लिम, ये नहीं कहा जा सकता है कि पलड़ा किसका भारी रहेगा, वो मतदाताओं ने जो जिसके पक्ष में मतदान किया है वो फैसला आएगा। मेरी निगाह में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कांटे का संघर्ष इस कैंट विधानसभा में देखने को मिलेगा। कांटे का संघर्ष, मुकेश जी आपसे भी मेरा यही सवाल है, आपको क्या लग रहा है कैंट विधानसभा की बात अगर बात करें? देखिए, कैंट जो विधानसभा है कभी इस शहर में हुआ करती है और ये भाजपा का गढ़ है। वहाँ दो बार राजीव जी रहे, 3 बार हैट्रिक करी उन्होंने, और फिर आज वर्तमान में संजीव अग्रवाल जी हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं माननीय प्रवीण सिंह एरन, वह भी कैंट से विधायक भी रह चुके हैं, और बरेली लोकसभा 2009 में यहाँ से संतोष गंगवार को हराया भी है। कैंट विधानसभा में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहता है, और वो
इस बार बहुत खूबसूरती के साथ, बड़ी खामोशी के साथ समाजवादी गठबंधन को उन्होंने मतदान किया है। इसके अलावा यहाँ पे मौर्य है, यहाँ पे वाल्मीकि है, जाटव बरादरी है और अन्य भी छोटी बरादरियां हैं जो ओबीसी हैं, वह मतदान भी इस बार विभाजन हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल बोर्ड है वो पड़ा है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में समाजवादी पार्टी भारी नजर आ रही है, वहाँ अच्छी वोटिंग हुई है। शहर में कम हुआ है, 50% मात्र हुआ है। 50% में जो हिंदू इलाका जो है, जो शहरी इलाका है, वहाँ पोलिंग कम हुआ है। जो ग्रामीण है, जो मुस्लिम इलाका है, वहाँ पे ज़्यादा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो भी निर्णय होगा, बहुत वो कांटे की लड़ाई है, आमने सामने का मुकाबला है और 4,000 से 5,000 से कोई लीड मिलेगी, ये मेरा मानना है। कैंट विधानसभा से, कैंट विधानसभा आपका पर्चे जानना चाहेंगे, फिर आपसे सवाल करेंगे। पुत्र सक्सेना वरिष्ठ छायाकार हूँ। अच्छा, ये बताइए, कैंट विधानसभा पे आप भी उस दिन देख रहा था, पोलिंग बूथ पे थे, क्या लग रहा है, क्या श्रमिक का मानना है, कौन सा प्रत्याशी की, किस बिरादरी का यहाँ ज्यादा रहता है? देखिए, कैंट विधानसभा पहले शहर में थी और शहर में हमारे भाजपा के विधायक रहे हैं, वहाँ पर राजेश अग्रवाल जी, उसके उपरांत अब संजीव अग्रवाल जी वहाँ भाजपा विधायक हैं। भाजपा ये जो पारंपरिक मत है, बोर्ड है, वो जाता ही है और रहा वहाँ मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम समुदाय पहले भी किया करता था और वो तो वो बसपा या सपा दोनों में जाया करता था। इस बार बसपा का कोई कैंडिडेट ना होने के कारण उसका लाभ जो है वो सपा को प्राप्त हुआ है, तो वहाँ कांटे की टक्कर है। वो हो सकता है कि 5,000 या 10,000 वोट जो है वो अधिक प्रिंस सिंह जी आरन जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं उन्हें मिल सकता है, या वो बड़ा तो जो है वो हमारे यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी छरपाल जी को मिल सकती है। आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या लग रहा है इस बार, क्या समीकरण है इसके, किस बरादरी ने कैसे बढ़ चढ़ के वोट किया, थोड़ा बताइए दर्शकों। देखिए, जहाँ तक आपने विधानसभा का सवाल किया, कैंट का विधानसभा कैंट में मैं आपको बता दूँ, शुरू से अगर आप देखें तो सुप्रिया एरन जो प्रवीण सिंह एरन की पत्नी है, वो कैंट क्षेत्र से मेयर भी रह चुकी हैं। और मुस्लिम ध्रुवीकरण का जहाँ सवाल है, मुस्लिम वोट उस समय भी उन्हें बहुत ज़्यादा पड़ा था। और आज की परिस्थिति को हम देखते हैं, जो लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा का पड़ रही है कैंट की, उसमें भी ध्रुवीकरण हुआ है और मुस्लिम मत मेरे ख्याल में कम से कम 50-60% जो है मुस्लिम मत जो है एक ही पक्ष में गया है। और रहा जहाँ तक शहर के सवाल, उनका मतदाताओं का वो सवाल है, उन्होंने मतदाताओं ने कम किया है और ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं ने अपना रुझान अच्छी तरह से दिखाया है। देखा तो जाए तो यह है कि इस समय दोनों में आपस में कांटे की टक्कर है और ज्यादा कोई अंतर अब नहीं आएगा, किस पल्ले उठ बैठ जाए कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ब्राह्मण वोट भी ठीक है कैंट, इसकी अगर बात करें वेस्ट वोट भी ठीक है, तो उस 2019 के मुकाबले इन वोटरों में क्या हुआ है, क्या कोई प्रवीण सिंह कह रहे हैं जो शैनबारी लगी है इस बार? देखिये, जहां तक आपने ब्राह्मणों का सवाल किया, ब्राह्मण सनातनी होने के नाते से एक ही पक्ष में जा रहा है, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ब्राह्मणों अपना मत जो है कम से कम 80-90% जो है ब्राह्मणों ने जो है भाजपा के लिए वोट किया है। रहा सवाल इस बात का कि ब्राह्मणों का मतदान जो हुआ है वो शहर में कम हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में अधिक हुआ है, उसके बावजूद भी है जो मुस्लिमों का मत है वो सपा की तरफ रुझान दिया है। जहाँ और रहा सवाल इस बात का कि जो मायावती के जो वोटर्स थे वो भी एक ही तरफ गए हैं, अब देखना यह है कि उन्होंने कितना मत प्रतिशत। हाँ, बड़ी बड़ी बात की आपने, मायावती का जो वोट था वो किस तरफ के लिए ज्यादा रुझान है इस बार? मायावती का जो वोट है, अधिकांश जो पढ़ा लिखा तबका है उस क्षेत्र का, उसने तो सोच समझ के वोट किया है, पर जो छोटी कास्ट के वोट है उन्होंने सापा को ही वोट किया है, ये मेरा अनुमान है। अब देखा यह जाएगा जब इसका रिजल्ट आएगा निकल करके, तब ये देखा जाएगा कि किस पोजिशन में वो स्थिति आती है, पर अब तक का जो पूरा रुझान निकल के आ रहा है वो इस समय जो है गठबंधन की तरफ ज्यादा झुकान दे रहा है, गठबंधन की तरफ ज्यादा। अरविंद जी, आपको क्या लग रहा है कैंट विधानसभा पे? कैंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ रहा है और लगातार यहाँ के बीजेपी से जो विधायक रहे हैं वो लगातार जीते चले आ रहे हैं। अगर बात करें पिछले जो विधायकी के चुनाव हुए थे, एमएलए के चुनाव हुए थे, तो यहाँ पर जो कैंट के जो प्रत्याशी थी कांग्रेस सपा से, वो कहीं ना कहीं गठबंधन जो प्रत्याशी हैं इस समय उनकी पत्नी रही है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बार जो गठबंधन है वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि कुछ वोट उन यहाँ पे मेयर भी रह चुकी हैं और जो मजबूती है वो बसपा जो यहाँ पर प्रत्याशी ना होने से दलित वोट है वो कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ वेस्ट वोट भी है, ब्राह्मण वोट भी है, मौर्य वोट भी है, तमाम और जातियों की वोट है, हिंदुओं की बात करूँगा,
क्योंकि मुस्लिम वोट भी इस विधानसभा ठीक ठाक है, तो इनमें जो हिंदुओं के वोटरों में क्या कहीं इन्होंने शैनबारी करना लगी होगी इस बार? अगर हिंदुओं के वोट की बात की जाए, ज्यादातर जो ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, वो ज्यादातर देखा जाता है कि बीजेपी को ही वोट जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ जो राजनीति गलियारे हैं उसमें यह भी माना जा रहा है कि कुछ वोट गठबंधन पे भी जाता हुआ दिखाई दिया है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ पर मुस्लिम जो बिरादरी है, अंसारी वोट यहाँ पर ज्यादा है, तो वो गठबंधन की ओर लगातार उतरी गया है। क्या माना है 2019 के मुकाबले इस बार जो इस विधानसभा पर क्या बदल रहा है? 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो जो लोकसभा के पिछले चुनाव हुए थे तो उसमें यहाँ पर जो संतोष गंगवार थे वो बहुत अच्छी चीज हासिल की थी, और अब की सिर्फ प्रत्याशी बदलने के बाद लगता है कि कुछ ना कुछ जो आपसी मतभेद है प्रत्याशियों को लेकर के, वो इस बार यहाँ गठबंधन में यानी कि समीकरण जो चेंज गठबंधन की तरफ से बिल्कुल बिल्कुल ये जो समीकरण है वो बदलाव है, और ये बदलाव जहाँ तक मुझे लगता है कि 4 तारीख को दिखाई भी देगा। तो देखा, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद था, और कैंट विधानसभा पर TV9 की टीम ने आज इन लोगों से बात की। समीकरण इनका साफ तौर पर कहना है कि ये कहना तो अभी मुश्किल है कि कौन प्रत्याशी यहां से जीत कर जाएगा, ये वक्त तो 4 तारीख को बताएगा, लेकिन यहां पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले इस बार यहां कुछ और देखने को मिल रहा है। अब वो तो आने वाला वक्त यानी कि 4 जून को ही पता चलेगा कि बरेली का जो प्रत्याशी है भाजपा और सपा प्रत्याशी, वो दिल्ली की रास्ता कौन इनमें से तय करता है। जर्नलिस्ट अंश माथुर के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।